मैंने पिछले सीरीज में क्या कहा, आप अपने जाति का नेता चाहते हैं ना, दलित जाति का, अंबेडकर ढूंढ के लाइए, नहीं है, पक्का होगा सर, उसको पैसा दीजिए, चंदा दीजिए, उसको लड़वाइए चुनाव, उसको जिताइए सर। आप मुसलमान चाहते हैं, कोई आजाद जैसा लाइए, कोई उमर जैसा लाइए, खलीफा है उमर, खलीफा, कपड़े फटे हुए हैं, ईद मनाने का पैसा नहीं है खलीफा के पास, ईद मनाने का, ईद, खलीफा उमर, उसकी इतनी कहानियां हैं खलीफा उमर की। रात में 2 बजे एक महिला ऊंट पे बैठ कर जा रही थी, किसी ने ऊंट ऊंट की लगाम पकड़ ली, उस महिला ने कहा या तो उमर मर चुका है और या तू उमर है, ये कंडीशन थी लॉ एंड ऑर्डर की उसके समय में। ईद मनाने का पैसा नहीं खलीफा के पास, ईद मनाने का, ईद, अपने खजांची से वो कहता है कि कुछ पैसे उधार दे दो, बच्चों के कपड़े खरीदवा दो, अगले महीने की वेतन में एडजस्ट कर ले, कहा आप लिख के दो गारंटी कि आप अगले महीने जिंदा रहोगे। खलीफा, ऐसा कोई आदमी निकाल लो उमर की तरह। इस देश की पब्लिक चुनाव के समय बड़ा मजा लेती है, पेट्रोल भराने पहुंच जाती है बाइक में, खाना खाने पहुंच जाती है, कह अरे उनके यहां गए थे चाय नहीं पूछे, रिश्तेदारी में गए हो। अब ये करना पड़ेगा, अपनी जात का चुनाव, अपनी जात का, उमर जैसा, अंबेडकर जैसा, राम मनोहर लोहिया जैसा, शास्त्री जैसा। शास्त्री जी बनारस आए, उनकी माता जी उनसे मिलने आई, रेल मंत्री थे वो, रेल मंत्री, रेलवे के गार्ड का इंटरव्यू देने गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, पैसा नहीं होता था कि नाव पर बैठकर नदी पार करके स्कूल चले जाएं। रेल मंत्री भारत के प्रधानमंत्री बाद में, उनकी मां मिलने आई, कहीं बेटा तुम कहां करते हो, कहीं हम बाबू हैं रेलवे, उन्होंने बताया नहीं कि मैं रेल मंत्री, उनके अधिकारियों ने पूछा नहीं सारा, हमने बताया नहीं कि आप भारत के रेल मंत्री हैं, नहीं मेरी मां बहुत इनोसेंट है, इसको मैं बता देता, ये जाके लोगों को बताती, वो इसको काम सौंप देते।